Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great with your friends and family. So here I am with another recipe of कद्दू की सब्जी. तो आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी घर पर. तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस. तो चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं. कद्दू की सब्जी आज मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर पर. तो मैंने यहाँ पे लिया है प्रेशर कुकर, जिसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं. और अभी हम ऑयल को हाई फ्लेम पे अच्छे से हीट होने देंगे. सो अभी आप देख सकते हैं ऑयल जैसे कि गर्म हो गया है. तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 स्लाइस्ड ऑनियन, 5 से 6 चॉप्ड गार्लिक और 1 इंच चॉप्ड जिंजर. अब इसको हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे. और हमने इसको पकाना है जब तक ऑनियन का कलर जो है स्लाइटली ब्राउन ना हो जाए. मैं यहाँ पे तड़का मारना भूल गई हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है. इसको हम गर्म होने देंगे. और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून फेनल सीड्स एंड 1/2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स. इनको अच्छे से हम क्रैक होने देंगे और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे ऑनियन के साथ. तो यहाँ पे तड़का हमने मिला दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और ऑनियन को कलर चेंज होने तक हमने पकाना है. तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हींग. और अभी आप गरम मसाले हम ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर. सभी मसालों को हमने अच्छे से मिलाना है ऑयल में और इसको कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से हम भूनेंगे, ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन जाएं. तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मसाले तैयार हो चुके हैं. सो मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो पेस्ट. तो मैंने यहाँ पर 3 टोमेटोज और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाया है. चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. अब इसको पकाना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए. तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है लिड को. अभी हम चेक करेंगे तो ऑयल हल्का सा जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गया. तो अभी हमें और अच्छे से इसको पकाना है. किसी भी सब्ज़ी में एक अच्छा टेस्ट तभी आता है जब आप उसके मसालों को अच्छे से लो फ्लेम पे पकाते हैं. तो जितना अच्छे से आप लो फ्लेम पे मसालों को पकाएंगे, उतनी अच्छी सब्जी का टेस्ट आता है. सो अभी हम इसको अच्छे से हम इसको मिलाएंगे अभी, जब तक ऑयल इसमें से अच्छे से सेपरेट ना हो जाए. और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून टैमरिंड पेस्ट और गुड़. आप चाहें तो शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है. अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे, लो फ्लेम पे पूरे मसालों को अच्छे से पकाएंगे. अब देख सकते हैं अभी मसाला जो हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं. सो अब हमने इसमें ऐड करना है कद्दू, मतलब पम्पकिन. तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1/2 kg पम्पकिन लिया है और मैंने इसको छिलके के साथ ही कट किया है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन इसके छिलके हैं, तो मैंने इसको पील ऑफ नहीं किया है. तो मैं इनको छिलकों के साथ ही इसमें ऐड करूँगी. हम इसके ऐसे ही पकाएंगे. आप चाहें तो सब्जी को ओपन पैन में भी पका सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में थोड़ा जल्दी पक जाता है. तो अभी हम सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे पम्पकिन के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं. सो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा वाटर. 1 कप मैंने इसमें पानी मिलाया है, और पानी मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से मसाले जो हैं कद्दू के साथ अच्छे से मिल जाएं. तो यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट और जैगरी ऐड कर रही हूँ, और फिर हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे. और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ. पानी हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे कद्दू में, क्योंकि सब्जी का अपना खुद का भी पानी होता है. तो आप ये देख सकते हैं अभी अच्छे से मिक्स हो गया. सो अब मैं अभी क्लोज़ कर दूँगी लिड को, और हमने इसमें वेट करना है 3 विसल्स आने तक. तो अभी जैसे कि विसल्स आ चुकी हैं, तो हम ओपन करके देखेंगे लिड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी जो हमारी पक चुकी है. तो हम जो है सब्जी को एक बार थोड़ा अच्छे से मैश करेंगे, मिला देंगे अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हैं. तो ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स. तो कोरिएंडर लीव्स मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे.
देख सकते हैं आप, हमारी जो है कद्दू की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। सो प्लेटिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म हलवाई जैसी खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी जो है यहाँ पे बनकर तैयार है, जिसको मैंने थोड़ा सा गार्निश करा है कोरिएंडर लीव्स के साथ। और आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं प्लेन रोटी, पराठा या फिर गर्मा गर्म पूड़ी के साथ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू मेक इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।